जैबू निसा का जन्म 15 फरवरी 1638 को हुआ। उसकी माँ का नाम दिलरस बानो था। बचपन से ही जैबू निसा में पढ़ने की ललक थी। औरंगजेब ने उसे पढ़ाने के लिए एक महिला शिक्षक हफीजा मरियम को नियुक्त किया। ये महिला अरबी और फारसी में निपुण थी। कुछ ही समय में जैबू निसा अपने पिता की तरह ही कुरान में निपुण हो गई। जब वह सिर्फ 7 साल की थी तभी हाफिज बन गई। औरंगजेब को अपनी बेटी पर बहुत फख्र था। उसने 30,000 सोने की मोहरे उसे दी। इसके अलावा उन्हें कई विद्वानों ने पढ़ाया। उनके अंदर एक कवि की छवि भी छुपी हुई थी और बाद की जिंदगी में उनमें ये गुण अच्छे से नजर भी आए। शाह रुस्तम गाजी ने उन्हें साहित्य का ज्ञान दिया और उन्होंने गणित और नक्षत्र विज्ञान की भी जानकारी ली। उर्दू और फारसी साहित्य में उन्हें महारत हासिल थी। फारसी में उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी। कई कवियों और विद्वानों को उनकी छत्र छाया में पनपने का मौका मिला, जिन्होंने अपने संग्रह जैबू निसा को समर्पित कर दिए। उनके पास बेहद बड़ा पुस्तकालय था। वो अपना अधिकतर समय ज्ञान पाने की तलाश में निकालती थी। वो जब संगीत के साथ कुरान सुनाती थी तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्हें चौसर खेलने का भी शौक था। उन्होंने महिलाओं की पहने जाने वाली कुर्ती अंगिया कुर्ती डिजाइन की। यह पोशाक तुर्किस्तान की एक पोशाक का परिवर्तित रूप है। उसमें भारतीय माहौल के हिसाब से बदलाव किया गया। वह दयालु हृदय वाली महिला थी जिसने कई गरीबों की मदद की। वह अनाथों और महिलाओं की मदद करती थी। वह हर साल मक्का मदीना जाने वाले लोगों की मदद करती थी। जैबू निसा अपने पिता की तरह कट्टरपंथी नहीं थी। वह एक सूफी महिला थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 2 दशक सलीमगढ़ के किले में व्यतीत किए थे और 1701 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, जैबू निसा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।